हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यदि आप यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप यूट्यूबर हो तो आप वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग के पास कंप्यूटर और लैपटॉप होता है तो वो अपना कंप्यूटर या लैपटॉप से एडिट कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग के पास मोबाइल होता है, मोबाइल से एडिटिंग करना चाहते हैं, मोबाइल से यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो लेकिन मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में। बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है जिससे आप वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। चलिए जिसमें ज़रा समय ना करते वीडियो को स्टार्ट। काफ़ी लोग जानते हैं पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, वीवो विक्टर, मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि एडिट करने के लिए। लेकिन मैं आज उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज एक बिल्कुल नया एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बिल्कुल अच्छी तरह है, पावर डायरेक्टर से भी अच्छा है, काइन मास्टर से भी अच्छा है। इसके लिए आपको मेरे वीडियो के नीचे दिया हुआ है वैसे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि जिस एप्लीकेशन का नाम है वीडियो लेपक। इसे आप डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसको सिंपली आपको क्या करना है, उसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो सिंपली आपको इस तरह आइकन दिखाई देगा, तो इसको आप क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट नॉर्मल, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर लेना। अब जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा फाइल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट। यहाँ पर आ जाने के बाद यदि आप वीडियो एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वीडियो है। यदि आप फोटो का वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फोटो आपका जितना भी होगा एल्बम पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना फोटो के बना लेते हैं वीडियो। इस पर क्लिक कर लिए। चलिए इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यदि आप यहाँ से किसी को भी हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप कट कर सकते हो। यहाँ पर कट का आइकन दिखा दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, हुआ हट गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह आ जाएगा आपका, इस तरह आ जाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार चलिए चला कर देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ चल रहा है। यहाँ पर यदि इस फोटो को, ये 12 है, आप इस फोटो को काटना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे करके जितना 12 या जितना छोटा रख सकते हैं। चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं इतना, इसका यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, इसको भी छोटा करना आता चाहते हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट डालने के लिए चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, चलिए हम यहाँ पर इफेक्ट डाल लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह लगाना चाहते उस तरह आप लगा सकते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। यदि आप अप्लाई टू ऑल क्लिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब जगह ऐसा ही होगा। चलिए यहाँ पर एक ही क्लिक कर लेते, उसके बाद डन कर देना। जैसे डन कर देंगे तो चलिए दूसरे टेस्ट कर लेते हैं काम कर रहा है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर बदल बदल के लगा सकते हैं, जिस तरह लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। चलिए इसको लगा लेते हैं, इसके बाद डन कर देना। यहाँ पर देख सकते उसी तरह काम कर रहा है। यदि आप वीडियो बना रहे हो तो आप इसको काटना चाहते हो तो आपको क्लिक करना है इस पर, इसको 12 छोटा भी कर सकते हैं आप, जिस तरह कर सकते हैं। यदि आप इसके ऊपर से फोटो लगाना चाहते हो तो यहाँ पर से आप इस पर क्लिक करना है, ओवरले इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप फोटो लगाना चाहते हो तो फोल्डर पर क्लिक करें। चलिए इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया, इसको आप छोटा 12 भी कर सकते हैं,
इसको घुमा भी सकते हैं आप, यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों हम टेस्ट कर लेते हैं काम कर रहा है ना, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा काम कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरह। यदि आप सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सॉन्ग लगा सकते हैं, यहाँ पर आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर माई म्यूजिक पर क्लिक करना है, यहाँ पर जितना भी म्यूजिक होगा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से कट भी कर सकते हैं, इसको ऐड कर लेना। चलिए चालू करके देख लेते हैं। देख सकते हैं म्यूजिक भी काम कर रहा है। यहाँ पर नाम लिखना चाहते हो इसके ऊपर तो यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए मैंने विकास लिख दिया, उसका डन कर देना। उसके यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कलर चेंज हो गया, उसका आधार पर क्लिक कर उसका प्ले कर लेते हैं, देखते काम कर रहे हैं। देख रहे हैं नाम भी आ रहा है, यदि आप इस नाम को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हट चुका है। इसका वीडियो बनाने के बाद यहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो यानी कि गैलरी में सेव करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लेना, एक्सपोर्ट पर। इस पर क्लिक कर लिए उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर 4080 क्वालिटी डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लेना, यदि 720 क्वालिटी को डाउनलोड करना चाहते हो इस पर क्लिक कर लेना, 180 क्वालिटी को इस पर डाउनलोड कर लेना। चलिए इसको हम 480 कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर वेट करना है, थोड़ी देर वेट करने का तो जैसे ही आपका 100% होगा यहाँ पर आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हो मेरा गैलरी में सेव हो चुका है। यदि आप YouTube पर डालना चाहते हो तो YouTube पर भी डाल सकते हो, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp कहीं भी आप डाल सकते हो। चलिए दोस्तों हम गैलरी में टेस्ट करते हैं कि मेरा गैलरी में सेव हुआ या नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा गैलरी में सेव हो चुका है। दोस्तों हमको उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, फिर से नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।